ओपन करते हैं मिंत्रा से जो 5 बजे की शिप हो, वैसे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चुभेगा। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लैम विद खुशबू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो वर्सेस मिंत्रा की साड़ी। मैंने दो साड़ी मंगाई अलग अलग वेबसाइट से, एक मैंने मंगाई मीशो से एंड दूसरा मंगाया मैंने मिंत्रा से। दोनों की प्राइस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो एंड हाई है, तो ये सोच के मैंने इसे ऑर्डर कर दी और पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है। सो चलिए एक एक करके आपके सामने ही ओपन करते हैं। तो पार्सल मेरे पास यहाँ है, दिस इज माई पार्सल। ये मीशो से एंड देन ये मुझे मिंत्रा से रिसीव हुआ है। मैं आपको एक एक पार्सल आपके सामने ही ओपन करूंगी और एक एक चीजें दिखाऊंगी। ओपन करने वाले ये मीशो का पार्सल एंड उसके बाद मिंत्रा। कपड़े की क्वालिटी तो बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छी है ब्लाउज की और काफी थिक भी है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हैवी वाली लाइनिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप ब्लाउज स्टिच कराते हो तो। क्वालिटी मुझे सही लगी। ओके, ये हम कर लेते हैं इसको इस साइड। यहाँ है ये हमारी साड़ी। पूरी साड़ी में आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा। ये पूरी साड़ी में मतलब जैसा इमेज में दिख रहा था ना, सेम मुझे वैसा ही रिसीव हुआ है। अभी क्या है ना, ये देखिए इस यहाँ पे आपको यहाँ पे हल्का सा आपको ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा कि कटा हुआ नहीं, बट ये जो कमर पे जब आप टक करोगे ना तो ये अंदर चला जाएगा। तो ये आप फटी हुई नहीं है, बिल्कुल भी डिफेक्टेड नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा डिफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा आंचल है, ओवरऑल ये जो एरिया है ना ये पूरा आपको आंचल मिलेगा इस तरीके का। ये देखिए पूरा आपको इस तरीके से आंचल देखने को मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे पूरा आंचल का काम है एंड नीचे जो बॉर्डर नीचे वाला एरिया है ये देखिए इस मिंत्रा से जो 5 बजे की वो वैसे तो काफी बड़ा है मीशो के साथ में। मीशो तो कुछ समय एडजस्ट हो गया था, फिर काफी बड़ी है। इसे भी ओपन करके देखते हैं सारी चीजें क्या है। मैंने आपके सामने सारे प्रोडक्ट ओपन किया कि हाँ चीजें क्या रिसीव हुआ है, क्या प्राइस के साथ चीजें क्या है, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें। ये मिंत्रा है, ये मिंत्रा और उसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी। सबसे ज्यादा मुझे मिंत्रा की पैकेजिंग काफी अच्छी लग रही है। देखते हैं ओपन करके। मुझे तो लगा मीशो की पैकेजिंग अच्छी होगी बट इससे बहुत अच्छी मुझे मिंत्रा की पैकेजिंग लग रही है। वैसे इन्होंने ब्रांड का जो लेवल है ना वो चिपका रखा है, तो मैं ब्रांड वगैरह सब कुछ आपको साइड में मैसेज कर दूंगी इधर या फिर कहीं साइड में। यहाँ ओपन करते हैं, लेवल वगैरह सब कुछ लगा के इन्होंने दिया ब्रांड का जो भी है उसका भी। सबसे पहले ब्लाउज ही ओपन करते हैं। ये काफी ज्यादा हैवी है ब्लाउज। इसमें भी सेम वही ब्लाउज है, वैसा ही 1 मीटर इसमें ब्लाउज का जो लेंथ है ना वो भी 1 मीटर है, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब ये है मीशो और ये है मिंत्रा, तो मुझे तो काफी ज्यादा सही लग रहा है। इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से छोटे 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 सीक्वेंस वाले वर्क भी दिए हैं, बट मीशो वाले में इस तरीके के कुछ भी नहीं दिया गया है ना। तो आप ये देख सकते हो इसमें छोटे छोटे इस तरीके से डिजाइन दिया हो जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इससे अगर ये ब्लाउज इस तरीके की बनती है जैसा इमेज में था सेम वैसा ही रिसीव हुआ है। इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। मतलब मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा अकॉर्डिंग प्राइस के। देखते हैं अब आगे क्या है। अगर इस ब्लाउज के वर्क का तो ये बहुत ही पतला सा एकदम फाइन सा इस तरीके से कढ़ाई किया हो गया है, और यही मीशो वाले फैब्रिक की बात करें तो इसमें बहुत ही मोटे मोटे से मतलब वर्क है। देख रहे हैं आप इतने ज्यादा मोटे से, मतलब ये चुभ रहे हैं और ये बिल्कुल भी आपकी हाथों पर नहीं चुभ रहा है, नहीं आपकी बॉडी भी चुभेगा। और ये अगर आप इसे पहनते हो तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा चुभेगा। ये चीज मुझे डिफरेंट दिखी सेकेंड एंड फर्स्ट। तो मुझे इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस दिखा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जितना पैसे के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड पैसे के हिसाब से अगर देखा है तो हाँ ये भी ठीक है अकॉर्डिंग प्राइस, बट अगर सेम साड़ी अलग अलग वेबसाइट पे दिख रहे हैं तो
शायद ये ज्यादा अच्छे हैं। तो ये मिंत्रा, अब मिंत्रा को करते हैं ब्लाउज को साइड को, एंड मिशो वाली भी साइड ब्लाउज को साइड कर लेते हैं। अब देखते हैं साड़ी। एंड साड़ी ओपन करने के बाद मुझे कुछ उसी तरीके से दिखा कलेक्शन जो कि मीशो में है। मीशो में भी इस तरीके से साड़ी के किनारे में किनारी बनी हुई कट वर्क वाली, एंड सेम वैसा ही आप देख सकते हो यहाँ पर मीशो में और मिंत्रा में, दोनों में सेम है। बट हाँ, क्या है एक चीज़ डिफरेंट से इसमें क्या है, बहुत ही फाइन सा पतला पतला वर्क किया गया है जैसा कि ब्लाउज में किया गया है, और मीशो वाले में बहुत ही मोटे सा थिक सा फिनिशिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, इस टाइप का वर्क किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर कप वेलवेट की जो किनारी है उसमें भी कटा उटा है, और इसमें क्या बहुत अच्छे से फाइन तक करके कटिंग की गई है। तो डिज़ाइन ये भी मुझे चेंज मुझे लग रहा है, एंड फैब्रिक की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा चेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हो तो इतना ज़्यादा ये थिक वाला फैब्रिक है, इतनी मोटी वाली कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा फाइन है। यही बात करें मीशो वाले फैब्रिक की, तो मीशो वाले फैब्रिक आप खुद ही देख के बता सकते हो कि एक कितना चीप सा फैब्रिक दिख रहा है, एकदम लो क्वालिटी वाली। कि आप, मैंने एक साइड इस तरीके से मिंत्रा वाली साड़ी को रखा है, एंड दूसरी साइड मैं अपनी मीशो को इस तरीके से लगा के दिखा रही हूँ आपको, आप खुद ही समझ जाओगे क्या चेंजेस है। तो ये है मिंत्रा एंड ये है मीशो, आपको समझ में आ रहा होगा कलर में डिफरेंस है। और वाली जो मैरूम होती है ना, मतलब एकदम डार्क वाली मैरूम, एकदम सेम वैसा ही कलर है। एंड अगर इसके कलर की बात करूँ तो ये तो आपको हल्का जो डार्क वाली रेड होती है ना, वो वाली कलर आपको देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का कंपैरिजन वीडियो। आप देख सकते हो खुद ही कि मिंत्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें भेज रहा है, एंड प्राइस एंड क्वालिटी के पीछे भागा जाए तो हाँ, मिंत्रा इज़ द बेस्ट। अगर आप चीप प्राइस में कम सस्ती चीज़ें लेना चाहते हो एक दो दिन के लिए, तो ठीक है आप मीशो ले सकते हो, डिपेंड करता है आप किस पे जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। एंड सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूल लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।